वेल, लॉकअप के अंदर आते ही तेजस्वी प्रकाश ने वार्डन तेजस्वी प्रकाश ने ले लिया अपना पहला निशाना और डाल दिया मुनव्वर के ऊपर एकदम फटाक से तीर। पूछ लिया मुनव्वर से ये सवाल, जिसके बाद लग गई मुनव्वर की क्लास। चलिए क्या हुआ है बताते हैं, देख रहे आप फीफा फूज में, हूँ आपकी होस्ट दोस्त वेदांगी करने। यहाँ पे तेजस्वी आने के बाद सबसे पहले मुनव्वर से कहती है, बिकॉज यू आर अ स्टैंड अप कॉमेडियन, तुम चीज़ें देखते हो उसके ऊपर तुम्हें कॉमेडी भी बनानी होती है, सो आई एम श्योर तुम लोगों का कैरेक्टर, लोगों का किस तरीके से पर्सनैलिटी वो जज कर सकते हो, सो यू हैव टू टेल मी हर एक पर्सन के बारे में यहाँ पे, हर एक कैदी के बारे में। जिसके बाद मुनव्वर जो है सबसे पहले शुरुआत करते हैं आजमा के बारे में, काफ़ी फनी तरीके से बोलते हुए नजर आते हैं कि यू नो एक्चुअली वो शायद 52-54 की होंगी, जिस तरीके से कमर के हाथ रखे, जिस तरीके से वो बात करती है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि 23 साल के होने का ढोंग कर रही है। और जिस तरह से वो बातें बोलती है कि अरे तुम्हें पाप लगेगा, ये होगा वो होगा, सो यू नो खाला टाइप होती है वैसे, ये आजमा फल्ला नहीं आजमा खाला है, इस तरीके से बात करते हैं। फिर शिवम के बारे में बात करते हैं, शिवम बोलते हैं शिवम के बारे में कि काफ़ी इनोसेंट है, बट ओवरचार्ज हो जाता है वो, किसी कोई अगर उसे सही भी चीज़ बोल रहा होता तो वो सब सुनता नहीं है, जो एक बार उसने ठान ली तो ठान ली, किसी की नहीं सुनता। अगर कोई गलत बोल रहा है तो बिल्कुल नहीं सुनेगा, अगर कोई सही भी बोल रहा है तो भी नहीं सुनता कि सामने खाइए फिर भी वो गिर जाएगा। अंजलि के बारे में उन्होंने बताया कि शी इज़ अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन और अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाती, काफ़ी कम एक्सप्रेसिव है, सो शी इज़ इंट्रोवर्ट पर्सन, इस तरीके से बताया। पायल के बारे में बात करते हैं, उन्होंने बोला कि पायल के बारे में मेरे पास अच्छी चीज़ें कुछ है नहीं बोलने के लिए, बुरी ही है। इट इज़ लाइक कि वो किसी एक को पकड़ लेगी, उसके ऊपर निशान लगाएगी, फिर वो अगर कुछ बोला तो फिर उसके बाद अभी मेरे बारे में कुछ बोल रही है, फिर उसमें प्रिंस का लगा देगी, अरे तू तो प्रिंस का कुत्ता है, फिर प्रिंस अचानक से बोलते भाई मैं कहाँ से आया, तो फिर वो प्रिंस को भी चुप करा देगी, तू चुप रहे, तू अंजलि के साथ रहता है, फिर अंजलि के ऊपर आएगा, फिर अंजलि किसी के, तो वो अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग इल्जाम लगाती है, इस तरीके से बात कर रहे होते हैं। और पायल के बारे में नेगेटिव बोलते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद जो है पायल बोलती है कि हाँ पूरा एपिसोड मेरे पर नहीं निकालना है, कुछ और भी बोल कुछ और भी बोल, तो दोनों का थोड़ा बहुत फाइट शुरू होता है, जिसके बाद पायल कहती है, जिसके बाद तेजस्वी कहती है, आई टोटली अंडरस्टैंड, आई टोटली कैन रिलेट टू यू मुनव्वर एंड टू यू पायल ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें बोलते थे, नॉट नेसेसरीली कि वो ट्रू हो, बट ठीक है अब यहाँ पे हो, एंजॉय करो, दिस इज जस्ट वन डे टू गो, उसके बाद जब बाहर जाओगे ये सारी चीज़ें मिस करोगे, बाहर जाके वीडियोज़ देखोगे तो ये सारी चीज़ें फनी लगेंगी, एंड यू शुड एंजॉय, जस्ट लिव इट, डू नॉट कंप्लेन, जस्ट लिव इट। फिर उसके बाद उन्होंने साइशा के बारे में तारीफ की, किस तरीके से एक छोटी बच्ची है वो, दिल से साफ है, दोस्तों के लिए हमेशा खेलती है, और अंदर उनके एक बच्चा है, नो जो एक एक बड़े लड़की के अंदर एक छोटा बच्चा है जो भी मैच्योर्ड है, सो दोस्तों की दोस्त है वो, तो इस तरीके से साइशा की तारीफ करता है कि शी इज़ द बेस्ट पर्सन जो यहाँ पे मेरी दोस्ती हुई है। प्रिंस के बारे में बोलते हैं कि मैं उन्हें पहले से फॉलो करता आया हूँ, बहुत पसंद करता हूँ, उनके साथ यहाँ पे कंपटीशन में आए हैं तो आई डू रिस्पेक्ट हिम। इनफैक्ट प्रिंस कहते हैं, अरे वो जो टास्क पूनम और साइशा को हुआ था, मुनव्वर ने कहा कि अगर ये मेरे साथ होता तो मैं कब का गिवअप कर देता, मैं प्रिंस भाई आपके साथ नहीं खेल पाता, मैं क्विट कर देता, ये भी बात प्रिंस ने बताई। तो मुनव्वर कहते हैं कि हाँ आई वी रिस्पेक्ट हिम अलॉट, एंड भाई उनमें ताकत बहुत है, उनसे पंगा नहीं लिया जा सकता, बट येस रिस्पेक्ट बहुत है, बट ट्रॉफी मेरी है, इस तरीके से मुनव्वर बात करते हुए नजर आते हैं। तेजस्वी के सवाल का जवाब देते हुए इस तरीके से मुनव्वर नजर आए। इसके ऊपर आपका क्या है रिएक्शन, क्या है टेक, कॉमेंट्स में बताइएगा। आई विल सी यू सून।